और चलिए बात करेंगे धनोरी की। आपको तो देखिए यहाँ पर धनोरी वाया त्वेली वाला सड़क पर काफी दिनों से यहाँ पर गंदा पानी भरा होने से ग्रामीणों को वहां पर आना जाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत लिखित पत्र देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर ये रोड मुख्यालय रोशनाबाद जिला हरिद्वार को जोड़ने वाला है और जिस पर लगातार बड़े नेता और साथ ही आला अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इस और यहाँ पर किसी भी अधिकारी का और नेता का ध्यान नहीं जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर ग्रामीणों का खेत में भी जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर शासन और प्रशासन कुंभ की यहाँ पर नींद में सोया हुआ है, जिससे कि यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार लोगों को यहाँ पर जो है सही रास्ता कब मिलेगा, और आपको बता दें कि यहाँ पर इसी को लेकर जो है चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कही जा रही है। आपने किसे किसे अवगत करा गया? यहाँ के दिल्ली वाले के जो प्रधान थे उनके पास भी गए थे, डीएम के पास भी। उन्होंने भी कहा कि हमारे बस का कुछ नहीं है, और डीएम ने कहा कि वो आचार संहिता तो लग रही है। हाँ सर, एप्लीकेशन तो हमने दे दी, यहाँ कोई नहीं है। दिन हमें भी सूचना दी, और ये घर में घुस रहा है, और हम रात को यहाँ पहरे थे इसके पानी के। बताओ बच्चे भी जहाँ, बच्चे कहाँ को निकलेंगे? गंदा पानी, और गंदा पानी ये प्रबंधन को अवगत करा गया है, और ये कई माह से चल रही है प्रॉब्लम यहाँ से। और ये जब से बरसात हुई ना काफ़ी, तो ये हमारे खेत में जो है पानी की ज़रूरत नहीं रही, भरपूर पानी है बारिश बरसात का ही। और ये जो सड़क को PWD से जो कई वर्षों से प्रयास से सड़क बनी थी, ये अब जो है बिल्कुल टूटने के कगार पर थी, इसलिए दूसरे गांव का पानी की निकासी कभी पहले इधर नहीं आया है। अभी से 2-3 माह से परेशानी हो रही है, इस करके ये अवगत करा सरकार को भी, अधिकारियों को, और जो है इसमें जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारे घरों में और पानी घुसा जा रहा है इसमें पूरा धनोरा में, और हमारे गांव में 1 इंच पानी की खपत नहीं है। हमारे गांव का तालाब भी जो है पूरी तरीके से लबालब हो रखा है, बिल्कुल जर्जर हो रखी है पानी की, बाढ़ के पानी से कोई रुकावट नहीं कर रही है।